Welcome back to my channel. First of all, I'm very sorry that it has been a little long of me posting the videos. Thodi personal life, professional life was going through a little rough patch, so that is why I couldn't make the video. Also, I was very occupied in a lot of things, so didn't had that much of time of making the videos. But nonetheless, so today I'm going to share the strategy for advanced ITT exam, जो आपका ICAI conduct कराता है. इसके बारे में बात करूं तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ के नहीं जाते हैं या फिर एक दिन पहले थोड़ा बहुत देख जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है, बिकॉज एट दी एंड वहां जाके कुछ तो टिक करके आना ही है ना. मीन्स यू शुड नो समथिंग और दी अदर, कुछ तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम बेसिकली शेयरिंग द मटीरियल विद यू गाइज विच यू नीड टू स्टडी फ्रॉम एंड सेकेंडली कितना टाइम लगेगा इस पे. आई मीन लाइक हाउ मेनी डेज आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि इसकी चैप्टर वाइज वेटेज की, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. ICAI का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने. यू आर नॉट सपोज, इसमें है एक चैप्टर नंबर 4. आई वुड से यू शुड बी लीविंग दैट चैप्टर पार्ट बिकॉज इट जस्ट हैज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, एंड दैट टू अगर आप इस चैप्टर को करोगे इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ योर्स. सो लीव दिस चैप्टर पार्ट. बाकी बात करते हैं अपन 90 मार्क्स की. So first of all, you're supposed to do the question that are given at the end of each and every chapter from the respective modules. दो modules है, module number 1 and 2. उसके end में कुछ MCQs दे रखे. MCQs fill in the blank, true false, वो आपको सारे करने हैं. I know many of you must not be having the hard copy of the module. तो मैंने description box में दोनों module का link दे दिया है, आप वहां से कर लेना. Rather I would say that जो कि आपके questions जो हैं, जो chapter के end में दे रखे हैं, उनके आप लोग प्रिंट आउट्स निकाल लेना, ठीक है. सेकेंडली मैं बात करूंगा पीडीएफ. एक पीडीएफ फाइल है जो कि आपको ये वाली दिख रही है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन दे दिया है. यू सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ एंटायरली, मतलब जो भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक एंड देन चैप्टर नंबर 5 के जो भी क्वेश्चंस आपको वो करने हैं. चैप्टर नंबर 4 के छोड़ देना. चैप्टर नंबर 4 जनरली वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें MS Access वर्ड लिखा हुआ है, जिसमें क्वेरी वर्ड लिखा हुआ है. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 4. आई वुड से स्किप इट अप, और रैदर मैं बोलूंगा कि अगर पूरी प्रिपरेशन हो जाए तब इनको पिकअप करना. थर्डली कहां से करना है, एक और पीडीएफ है जो ये वाली आपको दिख रही है. आफ्टर दैट यू सपोज टू पिक अप दिस पीडीएफ. नाउ व्हाई टू पिक अप दिस पीडीएफ. इसमें जब आप ये पीडीएफ करोगे यू वुड बी फाइंडिंग मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी डन इधर फ्रॉम योर मॉड्यूल और फ्रॉम योर फर्स्ट वाली पीडीएफ, राइट. तो इसमें से आपकी एक तो बहुत सारी रिविजन हो जाएंगी. यू वुड कम अक्रॉस सर्टेन क्वेश्चन विच आर न्यू इनटू दिस पीडीएफ, ठीक है. तो नए क्वेश्चन छांट लेना. अब टाइम कितना लगेगा ये सब चीजें करने में, आपका जो दोनों मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस एंड फ्रॉम योर फर्स्ट पीडीएफ, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 days, एंड योर सेकेंड पीडीएफ में आपको लगेंगे आधे से एक दिन. तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर योर एडवांस ITT का एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करूं कि वहां जाके देखो बहुत लोग बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, विच इज अ फैक्ट. इतना को डरने की जरूरत होती नहीं है, बट सिंस इट इज ICAI एग्जाम, और एग्जाम जैसा मर्जी हो थोड़ा बहुत एंजाइटी तो एग्जाम से पहले रहती है. मुझे भी हुई थी, मतलब दो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. मैं जितना मर्जी बोल लूं फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत एंजाइटी रहेगी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर यही कर लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट. यू आर गारंटीड पास ही होना है. कोई अच्छे नंबर लाने का एम नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम में. द ओनली एम इज टू पास, और 100% पास हो जाओगे अगर इतना आप लोग कर जाओगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार वहां जाके थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है. अगर आप में अगेन इफ यू हैव द कमिटमेंट, और अगर आप में शिद्दत है तो थोड़ी बहुत आप लोग चीटिंग भी कर लोगे, ठीक है. एंड सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी और समथिंग, माई email ID इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन कनेक्ट विद मी विया दैट, ठीक है गाइज. सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सिर्फ अच्छी लगी हो तो ही प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक जरूर देना, कमेंट में जरूर लिखना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल. ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडवांस ITT का एग्जाम. डू वेल.